तो और हम कहें तो हमने टूर्स तक बुक करा लिए थे, जो एक ओके वायाटर हाँ डॉट कॉम साइट है, हाँ तो उससे हमने 3 दिन के लिए तो डे टूर्स बुक करा लिए थे, जिससे ओके कि एक आइटिनरी बन जाए, अगर कोई हाँ पूछे कि हाँ तुम हाँ कहाँ कहाँ बिल्कुल जाना बिल्कुल चाहते हाँ ये थोड़ा सा आप डिफरेंट करा आपने तो कि बहुत ही ज़्यादा हैरान रह गया मैं, इतने सारे डॉक्यूमेंट मेरे पास में थे, हाँ। कुछ भी कुछ उसने पूछे नहीं नहीं मांगा। और मेरे को लगा कि चलो ठीक है, मेरा शायद पासपोर्ट उसने देख लिया होगा हाँ कि ठीक है, 2 दिन हाँ पासपोर्ट है मेरे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं रोविन दीमान आपका स्वागत करता हूँ। तो भाई काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आती रहती है सर्बिया के लिए, और रिसेंटली मतलब फ्रेश एक्सपीरियंस, ट्रैवल एक्सपीरियंस लोग शेयर करते हैं यहाँ पे, और जिनकी भी कोई क्वेरी होती है या कोई डाउट होता है ट्रैवल को लेकर, डॉक्यूमेंट्स को लेकर, इमिग्रेशन को लेकर, सारा वो यहाँ पे आपका क्लियर हो जाता है ऑलमोस्ट। तो रिसेंटली मेरे साथ अरुण जी हैं और इन्होंने ट्रैवल किया है और ये सर्बिया जाके वापस आ चुके हैं अभी यूएई के अंदर है। तो यूएई रेजिडेंसी है इनके पास, अभी यूएई में ही है ये। अपना जाने का और वापस आने का दोनों एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और अरुण जी वेलकम, कैसे हो? थैंक यू रॉबिन जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द चैनल। थैंक मैं यू। सर बहुत अच्छा हूँ, आप सुनाए सर कैसे हैं? ऑल गुड ऑल गुड। तो अरुण जी अच्छा ये बताइए कि वीडियोस से आपको कितनी हेल्प मिली सर, कि वीडियोस आपने फॉलो करी हैं? सर अगर मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो वीडियोस से मैं प्रिपेयर बहुत अच्छा हुआ, पर पता नहीं आप मेरा लक अच्छा कह लें या कैसा कह ओके लें, ओके मुझे किसी भी ऐसी चीज का फेस नहीं करना पड़ा। बट हाँ जैसे बोलते हैं ना, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट बट बी रेडी फॉर द लाइक एग्जैक्टली प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट ऑल्सो, तो मैं हर चीज़ के लिए प्रिपेयर करके गया था, ओके बट ऐसी कोई चीज़ की जरूरत नहीं गई। मेरी जो अरुण जर्नी जी, थी वो काफ़ी स्मूथ रही। आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री थोड़ा बताओगे कि ट्रैवल हिस्ट्री आपकी क्या थी, या फिर सिर्फ दुबई रेजिडेंसी आपके पास? नहीं, सर मैं 2006 से 2010 में यूके में रहा हुआ हूँ, ओके मैंने ओके ग्रेजुएशन की हुई है, और रिसेंटली मैं यहाँ पे जब यूएई में 2012 से हूँ, और मेरे पास मतलब 2012 से यहाँ की रेजिडेंसी है, जिसमें मैं कंपनी के काम से इजिप्ट और जॉर्डन जा चुका हूँ, ओके और घूमने फिरने के लिए अजरबैजान और उसमें क्या बोलते हैं ना, जॉर्जिया भी जा चुका हूँ। जोर जोर। तो सर ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री काफ़ी अच्छी है। मे बी दैट इज द जी रीजन लाइक दे हैव नॉट सेड एनी थिंग इवन अ सिंगल वर्ड टू यू, राइट? हो सकता है। सर, मेरे को हाँ ये पॉसिबल है, लेकिन मतलब उसके लिए भी कुछ देखना तो पड़ेगा ना पासपोर्ट में, कि ओके ओके तो पासपोर्ट उन्होंने आपका वही पासपोर्ट ही ट्रैवल। नहीं देखा? नहीं, मैं आपको बताता हूँ कि मेरी जो इंडिया में इमिग्रेशन होती है ना दिल्ली के एयरपोर्ट पे, वो थोड़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है उससे, कि भाई आप कैमरे की तरफ देखें, आप ये करें, आप वो करें, वो मेरा पासपोर्ट चेक करते हैं, एंटर करते हैं। यहाँ पे इन्होंने मेरा पासपोर्ट खोला है, स्टैंप लगाई है और चलो आगे। मेरे दोस्त भी मेरे साथ गए थे, उनका भी ओके पासपोर्ट खोला, स्टैंप लगाई और चलो आगे। तो सर आप कितने लोगों ने ट्रैवल किया था एक साथ, मैंने और मेरे फ्रेंड ने किया था और सर, उनकी ट्रैवल हिस्ट्री थी क्या सर, या फिर वो फ्रेश उनकी पासपोर्ट थी? उनकी बिल्कुल भी नहीं थी, उनकी बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन वो दुबई के रेजिडेंट थे पिछले 2 साल से, ओके रेजिडेंसी थी बट ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी, राइट? उनकी ट्रैवल हिस्ट्री बिल्कुल भी नहीं थी। ओके तो तो मतलब हम सर, लोग सो सर जी जैसे काफ़ी लोग बताते हैं, जैसे आपने आपने वीडियोस देखी हैं, तो वहाँ पे एक्चुअल में क्या क्या माहौल था जब वो बोर्डिंग पास लेने गए? मतलब इंडियंस वगैरह को कोई रोक रखा था, या फिर एकदम मतलब फ्रीली सब कोई बोर्डिंग पास मिल रहा था इजीली, अगर आपने ऐसा कुछ देखा है वहाँ पे? देखो, तो मैं आपको जैसे बताऊं कि जब हम लोग गए थे उधर तो शायद थोड़ा जल्दी पहुंच गए थे, इसीलिए क्योंकि आपकी ओके वीडियो से देख के कि जल्दी हाँ पहुंचना बेटर है, कि हाँ अगर हाँ कुछ ऐसा हो। हाँ और शायद उस वक्त 4 घंटे या 5 4 घंटे थे शायद बोर्डिंग के लिए, ओके ओके तो हमने देखा कि लाइन में कोई भी नहीं है। ओके अब हम लोग गए तो हम लोगों ने वैसे तो बिल्कुल बेसिक टिकट परचेज की थी, लेकिन मैं और मेरे फ्रेंड ने, हम दोनों में से किसी एक ने 10 किलो लगेज एक्स्ट्रा परचेज कर लिया था, कि भी थोड़ा बहुत लगेज अगर ले जाना पड़े हमें तो। शायद हमें प्रायोरिटी चेक इन मिल गया था या ऐसा ओके कुछ था, ओके ओके लेकिन ओके हम जैसे हाँ उधर प्रायोरिटी चेक इन होता है, जी वो प्रायोरिटी चेक इन प्रोवाइड कर रहा है वीज एयरवेज, राइट? जी तो उसका भी हो सकता है कि कुछ उन्होंने बेनिफिट मिल गया हो। बिल्कुल, हम लोग उधर गए हैं और हमने देखा कि लाइनें बिल्कुल खाली है कोई भी, तो हम बजाय पूरा घूम के जाने के भी हम बिल्कुल सामने उनके ऐसे जाके हमने बोला कि भाई हम आ गए हैं जल्दी 4 5 घंटे, और उन्होंने बस यही पूछा कि हाँ आप यूएई रेजिडेंट हैं? मैंने हमने बोला जी हाँ, ये एयरलाइन वालों ने, उन्होंने विदिन मतलब आप ये कह लेंगे 5 मिनट, 5 मिनट में उन्होंने हमें बोर्डिंग पासेस दे बोर्डिंग पास दिए, दे हैंड दिया। पैकेज था हमारे पास, ओके बस तो हम लोग ठीक सीधा है चले गए। सर। डॉक्यूमेंट्स आपके पास क्या-क्या थे? सर मैंने प्रिपरेशन बहुत की थी, मैंने बिल्कुल सबसे पहले तो अकोमोडेशन उसके प्रिंटआउट निकलवा रखे थे, कोविड बिल्कुल। वो सर वैक्सीनेशन प्रीपेड कर उसका रखी थी कि कौन सी कर रखी थी आपने, जो होटल बुकिंग थी आपकी पेड थी? प्रिपरेशन,
पेड थी? Booking.com से? नहीं, मैंने पेड नहीं की थी, मैंने पेड हमारा एक्चुअली वो जैसे फ्लैट टाइप था, तो वहाँ पे एक ऑप्शन मिल रही थी कि आप बिल्कुल वो जो वहाँ का जो रिपब्लिक स्क्वायर है उसके साथ में एक फ्लैट है और ओके, आप उसमें बिना पे किए भी कर सकते हो, तो मुझे अपार्टमेंट लगा टाइप, कि अपार्टमेंट टाइप. अगर वो जी वो अपार्टमेंट टाइप, ओके ओके मैंने ओके. बोला वर्स्ट टू वर्स्ट अगर हमारा नहीं भी हाँ होता हाँ तो कम से कम बिल्कुल पे तो नहीं किया हुआ हमने, बिल्कुल बिल्कुल. तो हमने पे नहीं किया था, लेकिन हमने उसकी बुकिंग कंफर्म करा के उसके प्रिंटआउट्स निकाल लिए थे Booking.com से, ओके. हाँ और हमने कोविड वैक्सीनेशन हमारी 3 डोज यहीं से हो रखी थी दोनों की, यूएई से हाँ 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 वो हो गया था, हमने अपना एक ट्रैवल इंश्योरेंस यूएई से ठीक ही है ले लिया था ठीक है. वो हो गया था, जबकि हमारी खुद की कंपनीज के ट्रैवल जो इंश्योरेंसेज हैं वो भी उधर कवर करते हैं, और सर आपकी फिर जो भी हमने रिटर्न टिकट थी वो भी विजय एयरवेज से ही थी? जो हमारी रिटर्न टिकट थी वो भी विजय एयरवेज की ही थी 5 दिन बाद की, ठीक है और तो और हम कहें तो हमने टूर्स तक बुक करा लिए थे जो एक ओके. वायाटर हाँ डॉट कॉम साइट है, हाँ तो उससे हमने 3 दिन के लिए तो डे टूर्स बुक करा लिए थे जिससे ओके. हाँ कि एक आइटिनरी बन जाए अगर कोई पूछे कि हाँ तुम हाँ कहाँ कहाँ बिल्कुल जाना बिल्कुल. चाहते हाँ ये थोड़ा सा आप डिफरेंट करा आपने कि मतलब अगर उनको एज ए प्रूफ भी आप दिखा सकते हो कि भाई हमने एक बार टूर एज ए टूर पैकेज ले रखा है, ताकि हो। वो अगर बोले तो हाँ भाई जेन्युइन ट्रैवलर है, लगे कि हाँ एक्चुअल में है वो वाउचर्स. तो कौन सी कंपनी बिल्कुल बताई आपने, किससे लिया था ये? Viator.com VIATOR.com उस पर ओके. आप डे टूर्स ट्राई करें, ये बहुत ही प्यारी तो साइट है, कितनी और कितनी इसमें कॉस्ट आई होगी उसकी? सर उसमें डिफरेंट डिफरेंट पैकेजेस हैं, हमने ईस्टर्न वेस्टर्न और नॉर्दर्न सर्बिया के पैकेजेस लिए थे, लाइक वो भी 7 लाख और अलग अलग, तो 3 अलग अलग जगहों पे गए थे, 80 से 100 डॉलर के बीच में एक पैकेज पड़ता है, और उसमें आपको पूरी ट्रांसपोर्टेशन 4 से 5 व्यूइंग पॉइंट्स सुबह सुबह लेके जाते हैं, बहुत लंबा ट्रैवल मतलब 2-3 घंटे करा के फिर आपको पूरा शहर घुमा के और फिर वो वापस लेके आते हैं, उसमें आपको फायदा ये मिलता है कि उसमें आपको एक टूर गाइड मिलता है, तो बिल्कुल बिल्कुल. वो अच्छे से और एक्सप्लेन कर आपको देते हैं कि कहाँ पे क्या चीज़ होती है. जी 6 और 7 बंदे रहते हैं उसी में, बस मिनी वैन सी होती है उसमें, आप मतलब दोस्ती हो जाती है आपकी, जो हमारे संग 2 हैदराबाद के बंदे थे उनसे बिल्कुल दोस्ती बिल्कुल हुई, बिल्कुल. और मतलब अच्छा रहा ट्रिप की भाई, बहुत सारे लोग भी जाते हैं वो लोग बताते हैं, और किसी चीज़ को जब आप बताते हैं ना गाइड बताते हैं ना उसमें अलग ही जान चली जाती है, जैसे एक बिल्कुल चर्च बिल्कुल. हम देखने गए, अगर वो वैसे ही जाते तो वो चर्च थी, पर हाँ वो जी. बता रहा है हमें वो 300 साल पुरानी है, ये हाँ पत्थर है, ये मतलब है, बिल्कुल तो वो बहुत ही बिल्कुल. हमें लगा, मैं तो आगे से ये सोचा कि भाई गाइड जरूर जो है ये टूर गाइड, और ये शेयरिंग में होते हैं तो काफ़ी सस्ते सस्ते भी पड़ काफ़ी जाते सस्ता हैं पड़ अगर आप जाता है. और कितनी कॉस्ट बताई सर आपने इसकी? सर ये मतलब आप ये सोचिए कि $50 से लेके $100 तक शुरू हो जाते हो हैं, जाते हैं. आप देखेंगे ना उसमें डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स हैं, अब जैसे हमने वाटरफॉल कवर करना था वहाँ पे, केव्स कवर करने थे, तो उसका अलग एक्सपीरियंस अलग प्राइस रहा था, जितनी डिस्टेंस होगी जितना एक्सपीरियंसेस वो लोग कवर करेंगे, आप देखा होगा तो सस्ता होगा और ज़्यादा लोग होंगे तो फिर और सस्ता होगा, तो ओके एक ओके एक टूर जो के साथ का था वो तो शायद $50 का था, ओके ओके ओके. बट अच्छा बहुत रहा क्योंकि बिल्कुल. जाना आना आना उधर की टिकट्स वगैरह हाँ हाँ काफ़ी कुछ हाँ वो लोग वो इंक्लूड सब कर उसी देते में हैं उसमें, इंक्लूड था. ओके. तो हाँ जी सर आप सर्बिया गए का, तो हाँ सर्बिया का इमिग्रेशन कैसा था आपका? सर वही मैंने बताया सर्बिया का इमिग्रेशन जैसे मतलब इंडिया में मेरा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, सर्बिया वाले ने यूं पासपोर्ट देखा यूं स्टैम्प लगाई और आगे कर दिया, आगे कर ना उसने दिया. कुछ मुझे देखी, मैं तो मतलब बहुत ज़्यादा हैरान रह गया, मैं इतने सारे डॉक्यूमेंट रखा कुछ भी उसने कुछ नहीं नहीं. मांगा, और मेरे को लगा कि चलो ठीक है मेरा शायद पासपोर्ट उसने देख लिया होगा कि ठीक है 2-3 पासपोर्ट है मेरे 12-15 साल से, और बिल्कुल मेरे भी दोस्त के लिए एक फ्रेश पासपोर्ट था बिल्कुल. उसका भी सेम ऐसे उसका भी उसने सेम ओके ऐसे करके हो. दिया, ओके ओके तो ओके काफ़ी हैरानी हुई उस वक्त, और ओके. अगर अभी कोई ज़्यादा चेक नहीं कर रहे हैं वो कुछ नहीं कर रहे हैं, ऐसा लग रहा हाँ था कि वो एक मतलब क्या सिक्योरिटी प्रोटोकॉल ही नहीं है वहाँ पे, ओके पर ठीक है. और सर एयरपोर्ट से आप जहाँ पे भी रुके हुए थे इस अपार्टमेंट में, वहाँ पे आप कैसे गए, बाय टैक्सी या फिर बाय बस? सर मैं वहाँ से बाय टैक्सी गया स्टार्टिंग में, मेरे को पहले ही बता दिया गया था कि 5 यूरोस कॉस्ट आएगी, ओके. 5 यूरोस आएगी 20 यूरोस मैं भूल रहा हूँ सॉरी, लेकिन हाँ उन्होंने मेरे को पहले ही बता दिया था, जो वहाँ के जो लैंडलॉर्ड थे उनसे कांटेक्ट हो गया था, तो उन्होंने बोला था कि ज़्यादा मत देना, तो हमें मतलब कोट थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा किया गया हाँ हाँ पर बिल्कुल बिल्कुल. इवेंचुअली करते उन्होंने हैं कर लिया, वो, करते हैं ऐसे उन्होंने करते हैं कि जितना ज़्यादा मिले उतना बढ़िया. और लाइक तो बिल्कुल सर आपने वहाँ पे अच्छे से ट्रैवल किया, सब कुछ करा, तो आपके हिसाब से कंट्री कैसी है? तो मेरे हिसाब से तो बहुत प्यारी लगी मुझे कंट्री, मैं बहुत ही ज़्यादा रेकमेंड करूँगा वाली कंट्री क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस, मैं मतलब यूके में 4 साल रहा हुआ हूँ, तो वहाँ पर एक जैसे ग्रीनरी होती है नेचर होता है, मैं थोड़ा नेचर से ज़्यादा अट्रैक्ट होता हूँ, तो वो वाली जो चीज़ें हैं वो हम लोग जैसे दुबई में रहते हैं तो यहाँ पे बिल्कुल. काफ़ी मैन बिल्डिंग्स वगैरह हैं आर्टिफिशियल, तो वो थोड़ा मैं थोड़ा मिस कर रहा था, थोड़ा ठंडा वेदर भी मिस कर रहा था, तो बिल्कुल वो बिल्कुल. दोनों चीज़ें गर्मियों में तो स्पेशली बहुत ही, ये जो अगस्त का वेदर था ये काफ़ी प्यारा था वहाँ पे।
तो सर अब वापस आने का भी आप बताइए थोड़ा सा, वापस आते टाइम भी किसी तरीके का कोई इशू आता है क्या? कोई कोविड टेस्ट वगैरह कुछ मांगते हैं क्या किसी तरीके का सर्बिया नहीं में? सर, हम लोग जैसे अगेन लाइक मेरे को नहीं पता इंडिया के रेजिडेंस के लिए क्या होगा, लेकिन हम लोगों के लिए जैसे यूएई का ही, यूएई भी हमें वापस आना था, अबू धाबी में वापस आना था, तो हम लोगों को बस कोविड का वही अपना वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट मांगा। वही नहीं होगा तो ओवरऑल अगर आप बात कर देखिए, अगर जेन्युइन ट्रैवलर जिसको भी ट्रैवल करना है भाई, जेन्युइन ट्रैवलर्स को बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर ट्रैवल, और जैसा कि उन्होंने बताया कि प्रेपरेशन आप पूरी करके चलो, हो सकता है कि आपसे कुछ भी ना पूछे और हो सकता है कि पता नहीं कितने क्वेश्चंस कर ले वो, बट बी रेडी जी बिल्कुल, राइट। जी बिल्कुल। मैं ऐसे ही था कि मैं बहुत ही ज़्यादा प्रिपेयर्ड होके गया था हर चीज़ से, क्योंकि मेरे को पहले जैसे जॉर्जिया वगैरह गया था तो इतना प्रिपेयर्ड नहीं गया था, क्योंकि मैंने आप मतलब ऐसी कोई वीडियो नहीं देखी थी। बट टू बिल्कुल बी ऑनेस्ट, आपकी वीडियो भी मैं मतलब सर्बिया के बारे में सर्च कर रहा था, पर तब आपकी वीडियो मिली जिसमें आपकी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली मैंने काफ़ी प्रिपेयर किया था। बट टच ऐसा कुछ नहीं हुआ था मेरे संग। हाँ, एक एक सजेशन और मैं दूंगा, मतलब कुछ आपके उन्होंने जो बोला है व्यूअर्स ने कि खाना जो सर्बिया में है वो वेजिटेरियंस के लिए बहुत ही कम बहुत मुश्किल ऑप्शन है। अवेलेबल जी है, जी तो जी जी मैं उसको खाना चाहता हूँ। वहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, दिवाली रेस्टोरेंट, हमने ओके उधर दाल चावल, कढ़ी चावल सब ओके खाए हैं, ओके और रोज़ हमने इंडियन खाना खाया है, बहुत अच्छा इंडियन खाना है। तो सर ये कहाँ पे है, थोड़ी और लोकेशन बताओ दिवाली रेस्टोरेंट एक्चुअली दो हैं, वहाँ पे एक ओल्ड बेलग्रेड में, एक न्यू बेलग्रेड में है। ये हम लोग एक्चुअली वहाँ पे मैंने पहली बार आइडेंटिफाई किया उस रेस्टोरेंट में जाते हुए कि बसेस फ्री है वहाँ पे, मतलब जी। मैं बस में बैठा हूँ उधर जाने के लिए, और मैंने बस ड्राइवर को पैसे देने की कोशिश की और उसने कोई पैसा नहीं लिया। वापस ही आते वक्त भी सेम हुआ, तो मैं फिर जब पूछा किसी से तो उसने ये बताया कि यहाँ पे कोई मतलब पेमेंट सिस्टम, लोग ही नहीं पे करते, तो नो लोग इसलिए अवेलेबल शायद ड्राइवर ने कोई नहीं मांगा होगा। तो ओके ये एक और चीज़ है कि हमने उसके बाद बसेस में काफ़ी ट्रैवल किया, और 5-6 बार इनफैक्ट पे करने की कोशिश करी, फिर हमने ऑफर करना भी बंद कर दिया, लेकिन बिल्कुल कभी भी बिल्कुल किसी ने पैसे हमसे लिए ही नहीं। ओके ओके तो दिवाली रेस्टोरेंट वहाँ पे दो हैं, ओल्ड बेलग्रेड में, न्यू बेलग्रेड में। ओल्ड बेलग्रेड वाले में हम जाते रहे, उन्होंने मना कर दिया था, एक मंडे को हम लोग ऑफ रहते हैं, तो मंडे को हम लोग न्यू बेलग्रेड में गए। अगर हम लोग नहीं भी जा पाते तो उधर एक ऐप थी कॉल्ड ग्लोवो, वो ग्लोवो ऐप जो है वो डिलीवर कर देती थी वहाँ से, तो उससे और हर इंडियन चीज़ इंडियन बिल्कुल इंडियन फूड भी मिल जाता है उस ग्लोबल ऐप से। सर, बिल्कुल इंडियन, ये दिवाली से ही वो डिलीवर करवाते हैं। और ओके इनफैक्ट ओके मतलब आप सिंपल खाने की बात कर रहे हैं, एक दिन उधर बारिश हो रही थी तो मैंने ऐसे ही बोल दिया कि भाई पकोड़े खाते हैं, तो मेरे दोस्त ने ओके मना कर दिया कि यहाँ कहाँ मिलेंगे, हमें तो सही इतनी बात है स्पीड पकोड़े तक आ गए थे उधर से। ओके अरे तो वाह, मतलब बहुत ही ये अमेजिंग तो बहुत एक्सपीरियंस अच्छा था। ऑप्शन है। जी, जो मुस्लिम लोग थे दो, वो मतलब हलाल मीट नहीं ढूंढ पा रहे थे, तो एटलीस्ट उनको भी अच्छा वेजिटेरियन खाना तो उधर उधर से मिल ही गया, जो मैंने आपको बताया था वाले ओके लोग, मेरे ओके दोस्त ओके बन गए थे उधर से। चलिए, तो ये ओल्ड ओल्ड बेलग्रेड और न्यू बेलग्रेड दोनों में ही है ये रेस्टोरेंट राइट। जी, न्यू बेलग्रेड वाला थोड़ा ज़्यादा अच्छा बना हुआ है, नया बनाया अभी, ओल्ड बेलग्रेड वाला थोड़ा छोटा है। बट हाँ, ये चलिए है कि आपका जो इंडियन खाने का जो है वो आपको आराम से वेजिटेरियन खाना अच्छा प्रोवाइड करा ठीक देगा। है, चलिए अनुजी थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाल के अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, डेफिनेटली इट विल बी हेल्पिंग लोट ऑफ पीपल जिनको भी ट्रैवल करना है भाई, और जिनको भी जैसे ने दो तीन चीज़ें थोड़ी एक्स्ट्रा बताई हैं कि इंडियन रेस्टोरेंट अगर खाने का किसी को इशू आ रहा है, आता है जो कि सबको, तो वो ऐसे मैनेज कर सकता है। और इनके ट्रांसपोर्ट का इन्होंने बताया कि कैसे इन्होंने मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे चल ही रहा है, कोई इतना वो बाउंडेशन वगैरह नहीं है किसी तरीके की, और इन्होंने जाने का और आने का दोनों दोनों ही चीज़ें इन्होंने बता दी हैं कि कैसे इन्होंने क्या क्या कैसे इन्होंने ट्रैवल किया है। अगर भाई इससे रिलेटेड अगर आप भी कुछ चीज़ शेयर करना चाहते हो और आपको लगे कि हाँ यार ये ट्रैवलर्स को हेल्प करेगी, तो डेफिनेटली आप इंस्टा पे मैसेज करो, तो उस चीज़ को भी ट्रैवलर के साथ शेयर करेंगे। तो थैंक यू सो मच सर, बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।